किसान साथियों, वेलकम टू न्यू नर्सरी। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ थाई ऑल टाइम जैकफ्रूट का पौधा, जो कि हमने प्लांटेशन किया था आज से लगभग 1.5 साल पहले। तो आज ये पेड़ काफ़ी बड़ा हो चुका है और फाइनली इसमें फ्रूटिंग भी आ चुका है। और इसका जो सबसे बड़ा खासियत है, उसके बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किया एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके हाथ से छूट ना जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी जो फ्रूट आप देख रहे हैं, ये जैकफ्रूट है और अभी ऑफ़सीज़न चल रहा है। नॉर्मली आप सब लोग जानते हैं कि गर्मी के टाइम पे जैकफ्रूट मिलता है बाज़ार में, लेकिन अभी जो जैकफ्रूट आप देख रहे हैं, ये थाई ऑल टाइम जैकफ्रूट है। ये पूरा 12 महीना कंटिन्यूसली फ्रूटिंग देने के लिए सक्षम है। तो आज ये वीडियो बनाने का जो मकसद है हमारा, वो ये मैसेज आप सारे किसान भाई को देना है, ताकि कोई किसान अगर इसका फार्मिंग करता है एक एकड़ ज़मीन में, तो जब सीज़न रहेगा तब वो इसमें से अच्छा अर्निंग तो ले ही सकता है, लेकिन जब ऑफ सीज़न में भी जब किसी के पास फ्रूट नहीं रहेगा, अगर आपके पास होता है तो आप बहुत अच्छे प्राइस के साथ उसको मार्केट में सेल कर सकते हो और अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो। तो किसान साथियों, मैं सिर्फ थियोरेटिकली ये बोल नहीं रहा हूँ, आपके सामने प्रूव है। अभी जो प्लांट आप देख रहे हैं, 1.5 साल का पेड़ है और इसमें फ्रूटिंग आया है। तो किसान साथियों, एक दूसरा पेड़ आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये इस पेड़ में भी सेम है, इसमें भी हर पत्ते में फ्रूटिंग आ चुका है, लेकिन इस फ्रूट को फल में कन्वर्ट होने के लिए और मैच्योर होने में अभी भी 3 से 4 महीने का वक्त तो डेफिनेटली लग जाएगा। तो किसान साथियों, आप इस वीडियो को देख के समझ ही चुके होंगे कि ये वैरायटी आज के टाइम पे किसान भाई के लिए कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कि इसके ऊपर काम कर रहा है और साल में अच्छा खासा इनकम इनमें से जनरेट कर रहा है। जो देसी वैरायटी होता है वो साल में सिर्फ एक ही बार फ्रूटिंग देता है, लेकिन अभी नवंबर का महीना चल रहा है और आपको आज के टाइम पे मार्केट में जैकफ्रूट बिल्कुल नहीं मिलेगा। और अभी हमारा जो मदर प्लांट है, इसमें फ्रूट आपको देखने को मिल रहा है। तो किसान साथियों, जब ये फ्रूट मैच्योर होगा तब हम इसके ऊपर आपको ज़रूर वीडियो बना के देंगे। अभी इसके बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं फ्लावर जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और जैसा कि मैंने बताया कि 3 से 4 महीना लगेगा इसको फुल मैच्योर होने में। तो ऐसे बहुत सारे वैरायटी है जैकफ्रूट के ऊपर, आज हम बताएं ऑल टाइम जैकफ्रूट। दूसरे वीडियो हम लाएंगे थाई पिंक जैकफ्रूट, उसका अंदर का जो पोर्शन होता है वो बिल्कुल पिंक होता है और उसका स्वीटनेस बहुत ज़्यादा होता है, उसके अंदर। तो एक फल काट के भी दिखाएंगे आपको। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो आप सब लोग जानते हैं कि ये पका खाने में बहुत स्वीट लगता है, लेकिन ये सब्जी में भी यूज़ होता है। तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर एक दो प्लांट या दो चार प्लांट अपने छत पे अगर आप लगा के रखते हो, मोमेंट आता है कि अगर आपके घर में सब्जी नहीं होता है तो आप अपने छत पे जाके इसमें से फ्रूट हार्वेस्ट करके आप अपने घर में पका सकते हो। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए साबित हो सकती है। तो किसान साथियों, उम्मीद है वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, और तब तक के लिए गुड बाय।